सो है गाइस, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ, अभी जो मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड करी थी तो उस पर लोगों की कमेंट आ रही है, इंडिया इंडिया यार देखो प्लीज़। जब मैंने वोट कलेक्टिंग का कहा था कि जब मैं वोट पे डिपेंड करूँगा तो आप लोगों ने शेयर भी नहीं करा। इंडियंस की बात कर रहा हूँ अभी मैं, पाकिस्तान के तो अच्छे खासे जो है 16-17 वोट आ गए थे, लेकिन इंडिया के सिर्फ 6-7 आए हुए थे, तो ये तो सही बात नहीं है ना। अब देखो, वोट पे जब मैंने डिपेंड किया तो आप लोगों को चाहिए था कि शेयर करके वोट कलेक्ट करवाओ, वोट ज़्यादा से ज़्यादा करवाओ, लेकिन आप लोगों ने किया, पाकिस्तान वालों ने कर लिया, तो इसमें मेरे तो कोई गलती नहीं है। तो चलो खैर, आज के वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। तो गाइस, जैसे आप लोगों को पता ही होगा, मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर है, काफ़ी सारे नए सब्सक्राइबर भी आए, तो उन लोगों को भी बता देता हूँ कि मेरी एक पाकिस्तान सिंगापुर रीजन पाकिस्तान, और ये भी मैं बता देता हूँ, काफ़ी सारे इंडियंस कन्फ्यूज़ होते हैं कि ये सिंगापुर और पाकिस्तान क्या है। तो भाई, सिंगापुर और पाकिस्तान एक ही सर्वर है, सही है, पाकिस्तान का भी सर्वर नहीं बना, आने वाले काफ़ी जल्दी आ जाएगा इंशाल्लाह पाकिस्तान का सर्वर भी, और अभी सिंगापुर से ही खेलता है पाकिस्तान। तो सिंगापुर बोलो पाकिस्तान बोलो तो समझ जाना। तो सिंगापुर में मेरी एक ऑलरेडी एक गर्ल है डॉन के नेम से, वो उसका क्रिएटर मैं ही था। हाँ, जो लेजेंड के स्क्वाड से होता रहता है गिल्ड वर्सेस गिल्ड, जो आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हो तो आप लोगों को पता ही होगा। तो इसी तरह मैंने एक इंडिया में भी गिल्ड जो है ओपन करी है, अभी एक गिल्ड क्रिएट करी है डोनी के नेम से ही करी है। तो अभी इसके लिए मुझे कुछ प्लेयर्स चाहिए, तो उनके लिए मैं रिक्वायर्ड बता देता हूँ कि क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो चलो पहले गेम में चलते हैं। सो गाइस, एज यू कैन सी, अभी 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 मैंने गिल्ड क्रिएट करी है, तो अभी देख सकते हो लेवल 1 है और 445 ग्लोरी है, और स्लोगन देख लो, इसका स्लोगन है नेवर लूज और नॉट दिस है वेलकम टू हेल। सॉरी, ये अभी चेंज कर देंगे, ऐसे शो के लिए रख दिया था, और गिव अवे एवरी मंथ। इसका क्या सीन है वो मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा, पहले गिल्ड के इन्फॉर्म में चलते हैं कि रिक्वायर्ड क्या है ज्वाइन होने का। तो सबसे पहले इसकी गिल्ड की UID देख लो, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, कमेंट में भी दे दूंगा, तो उसको देख लेना अगर ज्वाइन होना हो। गिल्ड आईडी है 3001089819, सही है। और रीजन का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था इसमें, जावा कालीमंटन पता नहीं कौन कौन से रीजन थे, मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैंने डिफ़ॉल्ट पे लगा दिया। बाकी स्टाइल जो है हार्ड कोर है, और एक मिनट रुक जाओ भाई, और अप्रूव मतलब अप्रूव किया हुआ है, क्योंकि अभी जो है डायरेक्ट ऑटो पे ज्वाइन हो जाते हैं ना, तो फिर आ जाते वो दो दो तीन तीन चार चार लेवल के। तो दूसरा, अभी लेवल का जो करा हुआ है, लेवल अभी मैंने 50 करा हुआ है, जो रिक्वायरमेंट है वो लेवल 50 है और प्लेटिनम 1 है। ये क्यों है ये मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। देखो, क्योंकि मुझे चाहिए स्क्वाड ऐसा चाहिए, मुझे जो प्लेयर्स चाहिए ताकि मैं उनका स्क्वाड बना सकूँ, और वो दूसरी गिल्ड से जाके फोर वर्सेज फोर कर सकें। जैसे आप लोगों को पता ही होगा सिंगापुर में लेजेंड का स्क्वाड जिस तरह दूसरी गिल्ड्स VI किंग्स हो गया, RVG हो गया, इनके साथ पाकिस्तान के जो टॉप टॉप गिल्ड्स हैं उनके साथ वर्सेज करके जिस तरह जीती है, इसी तरह इंडिया की भी हम लोग डॉन की गिल्ड के प्लेयर्स जाके एक स्क्वाड बनाएंगे हम लोग, तो जो है ना वो फिर गिल्ड के साथ, इंडिया के जो गिल्ड है अच्छी अच्छी उनके साथ वर्सेस करेंगे, तो उसकी वीडियो भी बहुत जल्दी आ जाएगी। तो बाकी मैं आप लोगों को ये इसका बता देता हूँ, ये गिव अवे एवरी मंथ ही, एवरी मंथ की जगह 2 या 3 वीक्स कर लेते हैं। अभी गिल्ड में सिर्फ 2-3 बंदे, क्योंकि अभी अभी बनाइए, इतना कोई टाइम नहीं लगा। हाइड्रा आमिर और नंदा, इन दोनों को भी मैंने अभी इन्वाइट किया है। बाकी मैं गिव अवे एवरी मंथ का बता देता हूँ ये क्या सीन है। देखो, मुझे जो स्क्वाड चाहिए वो चाहिए अच्छे प्लेयर्स, और उसके लिए मैंने जो है टूर्नामेंट करवाया। अभी 20 प्लेयर्स होने के बाद ये जो है एक्टिव हो जाएगा टूर्नामेंट्स वगैरह का, जो गिव अवे एवरी मंथ है। तो 20 प्लेयर्स के बाद मैं जो है हर 2 या 3 हफ्ते बाद जो कस्टम रूम मिलता है, कस्टम रूम बनाएंगे, सही है। कस्टम रूम बनाने के बाद जो सारे गर्ल्स के प्लेयर्स को बुलाएंगे, एक टाइमिंग होगी, तो वो जो गर्ल्स उस पर सारे गर्ल्स के प्लेयर आ जाएंगे, फिर वो एक टूर्नामेंट करेंगे, मतलब एक गेम होगा, क्लासिक का होगा या फिर देख लेंगे, क्लासिक का ही देख लेंगे, हाँ क्लासिक का ही करना पड़ेगा। तो क्लासिकल देख लेंगे सोलो में, तो जो बुया करता है या जिसने सबसे ज्यादा किल पे करे वो देख लेंगे बाद में सीन क्या होगा। तो जिसने सबसे ज्यादा किल या बुया किया तो उसको डायमंड्स मिल जाएंगे या लोग वगैरह ये सब मिल जाएंगे, तो इस तरह वो होगा। और दूसरा, जो गिल्ड्स के प्लेयर अच्छे चाहिए वो मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि दूसरी गिल्ड्स के साथ मुझे वर्सेस करवाने के लिए, फिर जो है ना प्लेयर्स अच्छे चाहिए ताकि खेल सके, यार तुम लोगों को पता ही है ना, और क्या समझाऊँ मैं। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं बतानी भूल गया, जो चेंज होता है अपना नेम जो है वो चेंज करना पड़ेगा 7 डेज़ के अंदर अंदर। तो नेम चेंज करना पड़ेगा 7 डेज़ के अंदर अंदर, और उसके पीछे अपना डोन का लोगो लगाना पड़ेगा, तो वो नेम आपको मैं बना के दे दूंगा जब भी आप मुझसे बोलो। तो 7 डेज़ के अंदर अंदर आप लोगों को वो नेम चेंज, अभी तो मिस्ट्री शॉप भी आई हुई है और गिल्ड का वो भी चल रहा है, तो उसमें से आप बाय कर सकते हो ईजिली, सस्ता मिल जाएगा यार, ये 50-50 रुपये के भी मिल जाते हैं नेम कार्ड, तो इसका कोई इतना इशू नहीं है। और दूसरा, केडी रेड पर बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए, कैडिडेट एटलीस्ट स्क्वाड में 2 तो होना चाहिए, 2% कैडिडेट, सही है। तो मेरा 3 है, पता नहीं कितने मुझे याद नहीं है, लेकिन 2 से तो ऊपर ही है कम अज़ कम, तो 2 से तो ऊपर होना चाहिए। और बाकी जो गिल्ड का जो है साइज़ बड़ा करना है तो ये भी बाद में देख लेंगे, अभी तो सिर्फ 20 प्लेयर से स्टार्ट हुआ है, तो ये भी बाद में देख लेंगे। तो गाइस, जिस जिसको ज्वाइन होना है जल्दी जल्दी जो है आप रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, मैं कर लूँगा एक्सेप्ट जिस जिसका मुझे समझ आएगा। तो बस गाइस, आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।